तो वो उसका राजा वो पूरा ये सब भारत में ही था, इसलिए इसको अखंड भारत कहा जाता है। पूरा अखंड नरसिंह का हुआ था, भरतराज प्रहलाद के छोटे से बालक से, आपने को सुना होगा, टीवी में भी आती है आपकी कथा आती है। तो प्रहलाद जी को उनके पिता जो प्रहलाद जी उनको रक्षा, फिर ये भगवान का पंचम अवतार जो हुआ था वामन भगवान का, वामन भगवान राजा दभी जो थे उनको जो है तीन पति भूमि मांग करके उनको जो उन्होंने मुक्त किया था। आपने देखा होगा जब भगवान दूत बन करके भाई महाभारत युद्ध ना हो इसके मतलब कराने गए, संधि कराने गए, समझौता कराने, तो दुर्योधन को अहंकार था, मान नहीं रहा था, तब भगवान ने विराट रूप वहाँ दिखाया था, दूसरा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिखाया था भगवान। सप्तम अवतार, ये दोनों अवतार एक साथ हुए राम जी के समय में, ये भी दोनों ही अवतार एक साथ हुए भगवान। सूर्य भगवान सात घोड़ों के रखते हमारे साथ सूर्य भगवान विराजित होते हैं, तो कुरुक्षेत्र से सूर्य भगवान का बहुत निकट का संबंध है। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो विशेष करके कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है। आए थे ब्रजवासी यहाँ अर्जुन इत्यादि सभी थे सूर्य ग्रहण का, तो ये ब्रह्म सरोवर आजकल ये बहुत पुराना है, इसको भगवान परशुराम जी ने अपने धनुष की नोक से जो है इसका निर्माण किया था। ब्रह्म सरोवर 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था उन्होंने, तो उसी के निमित्त जो महीना आता है ये कार्तिक का महीना है, तो विशेष फलदायी मानते हैं भगवान का नाम है दामोदर। तो कार्तिक महीने में ही यशोदा मैया ने भगवान को उखल से बंधन किया था, उखल से बांधा था ना भगवान कृष्ण को एक बार बालक समय में, तो दाम आठवां अवतार भगवान कृष्ण का और नवम अवतार भगवान बुद्ध का, बुद्ध भी हमारे जो है। और ये जो दसम अवतार है अभी हुआ नहीं है, दसम अवतार भगवान का भी होना है, ये कहते कि हमारे शास्त्रों में सब बताया गया है, इसलिए भगवान का ऐसा आनंद जी महाराज जी जिन्होंने पूरा जो है संस्थानों का निर्माण उनके संरक्षण हुआ है, उन महाराज जी के गुरु जी हैं, ये अम्बाला में रहा 52 साल तक एक ही जगह रहे, बाउंड्री के अंदर से बाहर नहीं गए, गेट से बाहर नहीं गए, और दुनिया इनके पास आती थी, मेला लगता था, सिद्ध संत थे, तो इनकी बड़ी महिमा थी, अपने समय में सिद्ध थे। जो भी कर रहे हो एकेडमी में खेल रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले मेहनत बहुत जरूरी है, संघर्ष बहुत जरूरी है, तब जाके आगे सफलता मिलती है। ये महाराज सजा के रखते हैं आज के दिन, इस महीना के इष्ट देवता नारायण भगवान, नर नारायण दोनों का स्वरूप है, ये उनके इष्ट देवता है। माँ का बोला ठंडा व्रत मानते हैं, तो इसमें भी दोनों एकादशी होती है उसकी पड़ी योजना है। तो ये सब महीना जो है ध्यान करके रखा है। और इनको कौन कौन जाता है बीच में, ये जानना चाहिए ना, ये सब विचार करना चाहिए। गरुड़ भगवान जी है, भगवान गरुड़ है, ये भगवान कृष्ण के नारायण भगवान के वाहन, जैसे सबके भाई माता के शेर हैं, गणेश जी का चूहा है, ऐसे सबके वाहन होते हैं ना, तो भगवान के वाहन विष्णु भगवान है। एक किसी ने क्वेश्चन किया था गरुड़ जो होते हैं ना, जो गरुड़ तो मलमास को किसी देवता ने नहीं अपनाया, उसको भाई सब ने अस्वीकार कर दिया, तो जिसको कोई भगवान ने कहा तुम मेरे से, इसलिए उसको इस देवता भगवान की उनकी महिमा तो सभी जानते हैं, जो वृंदावन गए हैं, जो बढ़िया म्यूजियम आप देखोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, सभी ले लो।